हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। आई एम अमित कुमार समी। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा छठी के अभ्यास तीन के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना बेटा, ठीक है। तो और इस वीडियो हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया बेटा कि निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। तो गुणनखंड क्या होता है कि गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, अगर किसी संख्या गुणनखंड पूछा है तो हमें बताना है कि वह संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है या भाग हो सकती है, ठीक है, या किस किस के पहाड़े में वो संख्या आती है। गुणनखंड ही होता है। सार्वगुणनखंड मतलब ऐसी संख्याएं बतानी है जिससे ये सारी संख्याएं काटी जा सके या फिर भाग की जा सके, ठीक है, या फिर ये सारी संख्या उसके पहाड़े में आए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं चार की, तो चार किस किस के पहाड़े में आता है बेटा? एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, तीन के में नहीं आता है, तो चार के पहाड़े में आता है, ठीक है। देखो, कोई भी संख्या ये एक तो एक के पहाड़े में आएगी और एक खुद के पहाड़े में, इन दोनों के में तो आएगी आएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं आठ, तो आठ किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, दो चौक आठ, ठीक है, तीन तीन चार दुनिया आठ आता है, ठीक है। उसके बाद पांच के में नहीं आता, ठीक, छह के में नहीं आता, सात के में नहीं आता और आठ के पहाड़े में आता है, ठीक है। उसके बाद बारह देखो बेटा, बारह जो तो वो एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में आता है, चार के पहाड़े में आता है, ठीक है, छह के पहाड़े में आता है, ठीक है, और बारह के पहाड़े में आता है, ठीक है। भाई देखो, एक बारह की गुणा कर दी, ठीक है, दो छह बारह और चार दिया बारह, ठीक है, जो वो यू सेप वाला बताया पिछले वाले प्रश्न में उसी की तरह। तो देखो, अब ये इसके गुणनखंड हो गए। सार गुणनखंड मतलब जो तीनों में एक जैसे हो, वो कौन कौन से हो गए बेटा? अब वो हो गए हमारे पास, एक तो देखो एक एक एक, एक तो एक कॉमन है, एक जैसा है, एक दो भी एक जैसा है, ठीक है, दो 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 और चार चार और चार, और चार भी एक जैसा है, ठीक है। तो सार्वगुणनखंड क्या हो गए? एक दो चार, मतलब एक के पहाड़े में सब आएंगे, दो के पहाड़े में देखो दो दुनी चार, दो चौक आठ और दो छिंग बारह, चार के पहाड़े में चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार थे बारह, ठीक है। तो ये तीनों इसके सार्वगुणनखंड हो गए, ठीक है बेटा। अब देखो अगला, पांच किस किस के पहाड़े में आएगा? देखो या तो एक के में आएगा या पांच के में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या या तो खुद के पहाड़े में आती है या फिर एक के पहाड़े में आती है। उसके बाद पंद्रह, ठीक है, पंद्रह एक तो एक के पहाड़े में आएगी, तीन के पहाड़े में आएगी, पांच के पहाड़े में आएगी और पंद्रह के पहाड़े में आएगी, ठीक है भाई। एक, ठीक है, को पंद्रह से गुणा करोगे, तीन पंजे पंद्रह, पांच थी पंद्रह और पंद्रह एकम पंद्रह, ठीक है। अब देखो पच्चीस, पच्चीस किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में नहीं आता, तीन के पहाड़े में नहीं आता। देखो पांच पंजे पच्चीस होता है, ठीक है, और पच्चीस एकम पच्चीस होता है, और किसी के पहाड़े में नहीं आता पच्चीस बेटा। एक के पहाड़े में आएगा, पांच के पहाड़े में आएगा और पच्चीस के पहाड़े में आएगा। तो अगर मैं इसका सार्व, ठीक है, गुणनखंड निकालू तो क्या आएगा बेटा? सार्व गुणनखंड क्या आएगा इसका? इसका सार्व गुणनखंड आएगा एक और पांच, एक और पांच, एक और पांच। ऐसे देखो, एक के बारे में तो सब आते ही आते हैं, पांच एक पांच, पांच ये पंद्रह, पांच पंजे पच्चीस, ठीक है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं दो, जिनसे जिनके पहाड़े में, ठीक है, ये तीनों संख्याएं आती हैं। ऐसे ही ये तीनों ऐसी संख्याएं जिनके पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आती हैं, ठीक है।
तो यहीं पर ये प्रश्न नंबर दो खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि सर ये नहीं आया है समझ में। ठीक है, मैं उसको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो बेटा, टेक केयर।